हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चमन शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन स्किल्स के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में कि आखिर ट्रांसफार्मर है क्या, इसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और उन भागों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर युक्ति है जिसके अंदर कोई भी घूर्णन भाग नहीं पाया जाता है। यह एक स्थिर उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार और केबल के माध्यम से स्थानांतरित करता है, तारों और केबलों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करवा के। ये प्राय दो भागों में बांटे जाते हैं इनके वाइंडिंग के आधार पर इन्हें दो भागों में भी वर्गीकृत किया जाता है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके मुख्य भागों के बारे में कि इनके अंदर कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है दोस्तों, वो है कोर। कि कोर क्या काम आती है और कोर किससे बनती है। तो दोस्तों, कोर होती है ये सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को आपस में जोड़कर बनाई जाती है। ये सिलिकॉन कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से क्यों बनाई जाती है दोस्तों, ताकि हिस्टेरेसिस हानियाँ कम हो सकें। वह इन सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड भी किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस कम की जा सकते हैं। अब बात कर रहे थे दोस्तों कि इस कोर का ट्रांसफार्मर के अंदर क्या काम होता है। इस कोर के ऊपर ट्रांसफार्मर में दोस्तों वाइंडिंग करी जाती है। वह ये जो कोर है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है प्राइमरी वाइंडिंग से लेकर सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाने के लिए। अब जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, दूसरा जो भाग आता है वो होता है वाइंडिंग। अब वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कौन सी वायर से की जाती है और वाइंडिंग किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों, वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की जाती है वो कॉपर वायर से की जाती है। वह वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार की पाई जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये जो वाइंडिंग है दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनको इंसुलेटेड भी किया जाता है ताकि दो वाइंडिंग आपस में कहीं पर शॉर्ट ना हो। जो प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों, ये हमारे पीछे सोर्स से जोड़ा जाता है। जो पीछे से हमारे पास सप्लाई आ रही है उससे प्राइमरी वाइंडिंग को जोड़ा जाता है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसे आगे लोड से संयोजित किया जाता है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा जो है टैंक। अब जो थर्ड हमारे पास जो निकल के आता है भाग, वो है टैंक। अब टैंक का क्या काम होता है दोस्तों, जो हमारा जो कोर प्लस जो वाइंडिंग की गई है कोर के ऊपर, उन दोनों को एक पुर्जे में रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ आवश्यकता होगी। जैसे हम घरों के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए वाटर टैंक्स वगैरह बनाते हैं, वैसे ही ये भी एक टैंक होता है जिसके अंदर हम लोग वाइंडिंग और कोर को रखते हैं, उनको स्टोर करते हैं टैंक के अंदर। ये जो टैंक होता है दोस्तों, ये हार्ड मेटल का यानी मोटे मेटल का बनाया जाता है, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, जो चौथा भाग आता है, वो होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल। ये एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल मीन्स जैसे तार के ऊपर कोई भी वायर है उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, सेम वही काम ट्रांसफार्मर ऑयल करता है। ये जो ऑयल होता है दोस्तों, ये मिनरल ऑयल होता है, फिल्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, ये जो है एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल और एज अ कूलर भी काम करता है, जो हमारी वाइंडिंग को ठंडा रखता है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं पांचवे भाग के बारे में ट्रांसफार्मर का पांचवा भाग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है दोस्तों टर्मिनल एंड बुशिंग। तो टर्मिनल एंड बुशिंग क्या काम आता है दोस्तों, टर्मिनल एंड बुशिंग हमारी इनलेट चैम्बर और आउटलेट चैम्बर सप्लाई और लोड से जो वायर को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है, इन्हें इंसुलेटेड किया जाता है ताकि कोई भी वायर ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ कनेक्ट ना हो और वह किसी भी प्रकार का वोल्टेज लीक करके और करंट ना मारे। तो इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंजर्वेटेड टैंक के बारे में। छठा जो हमारा भाग रहेगा वो रहेगा कंजर्वेटेड टैंक। तो कंजर्वेटेड टैंक क्या काम आता है दोस्तों, ये एक एक्स्ट्रा टैंक होता है जो डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ कनेक्टेड होता है। अब कंजर्वेटेड टैंक के अंदर हम लोग ऑयल भरते हैं और इस कंजर्वेटेड टैंक को हम आधा ही रखते हैं ताकि जब ज़्यादा लोड पड़ेगा ट्रांसफार्मर पे तो क्या होगा, ऑयल एक्सपेंड होगा, ऑयल हीट होगा, और ऑयल हीट होने के कारण क्या होगा कि कंजर्वेटेड टैंक के अंदर थोड़ा सा ओवरफ्लो होगा। अगर वो ओवरफ्लो हो रहा है तो ट्रांसफार्मर हमारा फटे ना, इसके लिए जो है कंजर्वेटेड टैंक लगाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते दोस्तों, सेवन्थ पॉइंट हमारा जो रहेगा वो रहेगा ब्रीथर। अब ये ब्रीथर क्या काम आता है दोस्तों, ब्रीथर नाम से स्पष्ट हो रहा है, ब्रीथर यानी
ब्रीथिंग, ब्रीथर, ब्रीथिंग है ना, तो ब्रीथर क्या काम आता है, जो हमारा कंजर्वेटिव टैंक है उसके साथ ब्रीथर को कनेक्ट किया जाता है, और इस ब्रीथर के अंदर जो है सिलिका जेल भरी जाती है। सिलिका जेल क्यों भरी जाती है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले ब्रीथर का काम बता देता हूँ। ब्रीथर क्या है, ऑयल एक्सपेंड हो रहा है तो उसके अंदर उष्मा उत्पन्न हो रही है, उसके अंदर गर्मी उत्पन्न हो रही है, उस गर्मी को कंजर्वेटिव टैंक के थ्रू, ट्रांसफार्मर की पूरी गर्मी को कंजर्वेटिव टैंक के थ्रू बाहर निकालने के लिए, सेम है जैसे हम ऑक्सीजन इनलेट करते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं तो हमारी नोज़ के थ्रू हो जाता है, तो ये जो ब्रीथर है ये एज ए नोज़ वर्क करता है ट्रांसफार्मर के अंदर, और ट्रांसफार्मर की पूरी गर्मी को ब्रीथर के जरिए बाहर ले आता है। अब वो जो सिलिका जेल क्यों भरी जाती है दोस्तों ब्रीथर के अंदर, ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल इसीलिए भरी जाती है क्योंकि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होगा तो क्या होगा कि जो हवा उसके अंदर ब्रीथर के जरिए वापस जाएगी, अब हवा के साथ नमी ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, इसीलिए उसके अंदर सिलिका जेल डाली जाती है जो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और प्योर फिल्टर्ड एयर ही वापस ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। अब ब्रीथर के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बकल्स रिले की। अब बकल्स रिले क्या काम आता है दोस्तों, बकल्स रिले एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है। अब ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी मोटी फॉल्ट हो, छोटा मोटा कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो बकल्स रिले क्या करता है, बीप करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर वो बीप करता है जब छोटा फॉल्ट है, अगर मान लीजिए कोई मेजर फॉल्ट आ जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर तो वो मेन सर्किट को ब्रेक कर देता है और जिसके कारण ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मेजर फॉल्ट नहीं आता। इसके बाद जो हमारे पास दोस्तों नौवां पॉइंट आता है वो आता है कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर का। अब आप दोस्तों देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर के पास साइडों दोनों आगे और पीछे वाली साइड में पतली पतली पाइपें होती हैं, वो जो पतली पतली पाइप होती है दोस्तों वो कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर कहलाती हैं। इन कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर का क्या काम होता है दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड पड़ रहा है, अब लोड पड़ने के कारण क्या होता है, ऑयल हीट होता है। अब ऑयल हीट होगा तो क्या होगा कि जो कूलिंग ट्यूब और रेडिएटर हैं उनके थ्रू होता हुआ ऑयल वापस ऊपर उठेगा और ऊपर नीचे साइडों से होता हुआ वापस नीचे आ जाएगा। जब वो ट्रांसफार्मर का ऑयल वापस नीचे आ रहा है कूलिंग ट्यूब से होता हुआ तो क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा हो जाता है। इन केस अगर उनके अंदर भी रेडिएटर के अंदर भी वो ठंडा नहीं होता तो वो वापस कंजर्वेटर टैंक में जाता है और ब्रीथर के जरिए जो एक्सप्लोजन हो, जो ऊष्मा होती है, जो उसके अंदर गर्मी उत्पन्न हो रही है, वो ब्रीथर के जरिए बाहर आ जाती है। अब एट लास्ट हम बात कर लेते दोस्तों एक्सप्लोजन वाल्व के बारे में। एक्सप्लोजन वॉल्व क्या होता है दोस्तों, एक्सप्लोजन वॉल्व जो है एक एमरजेंसी डिवाइस होती है जो एमरजेंसी कंडीशन के अंदर ही ओपन होता है। ये जो एक्सप्लोजन वॉल्व होता है दोस्तों, इसे ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर यूज़ किए गए मेटल की बजाय पतले मेटल से बनाया जाता है। इन केस मान लीजिए अगर ब्रीथर काम नहीं कर रहा, बकल्स रिले ने भी काम करना बंद कर दिया है और ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना हो उससे पहले क्या होता है, एक्सप्लोजन वाल्व पतली चादर क्या इस्तेमाल में किया जाता है तो वो एक्सप्लोजन वाल्व क्या है, ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही एक्सप्लोजन वाल्व ब्लास्ट होता है तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर हीटेड ऑयल है वो उस ब्लास्ट ट्यूब उस एक्सप्लोजन वाल्व के थ्रू बाहर गिरना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो बाहर गिरना शुरू होता है हमारे जो भी बिजली बोर्ड के अधिकारीगण जो भी कार्यकर्ता है वो आकर उसे रिपेयर कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें तब तक, क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्तों। अगली वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।